हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ झाले झटकने वाला एक झाड़ू, जैसे कि मकड़ी वगैरह जो रहते हैं वो स्पाइडर वगैरह अपने घर में जो कि कॉर्नर पे सीलिंग के इधर झाले वगैरह बना देते हैं, तो इसे क्लीन करने के लिए कोई बेहतरीन सा आपको झाड़ू की जरूरत पड़ती है। ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था 99 का। अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम इसी टाइप का कोई 150-200 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेज़ किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेज़ किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी रहता है और इसकी हाइट भी इंक्रीज होती है। तो ये अराउंड, जो कि अभी मैंने इसकी हाइट इंक्रीज नहीं की है, तो करीबन आपको देखने को मिलेगा 3 फीट के करीब। और जब इसकी हाइट आप ओवरऑल पूरी इंक्रीज कर दोगे, तो इसकी हाइट हो जाएगी 5.8 फीट। तो 5.8 फीट मतलब 6 फीट से 4 इंच कम आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत ही ज़्यादा लंबी और अच्छी खासी हाइट है। तो आराम से आपका सीलिंग जो कि 12 फीट तक है, तो वो भी इजीली आपका क्लीन हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द के घर पे जो कि 10 फीट तक का सीलिंग रहता है, पर ये 12 फीट तक का इजीली आपका जो कि क्लीन हो जाएगा। तो चलो इसका मैं हाइट इंक्रीज़ करके भी बता देता हूँ। इंक्रीज़ करने के पहले मैं क्वालिटी बता देता हूँ। तो सामने की ओर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में जो कि स्टक किए हुए लास्ट कुछ मंथ से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन है, अभी कहीं भी ब्रेक वगैरह नहीं हुआ है। वीक में 2 दिन ही यूज़ करता है। आप रेगुलर यूज़ करना चाहो तो रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो। और इधर आपको देख सकते हो नॉब देखने को मिलेगा, इसे टर्न करके इसका हाइट इंक्रीज़ होता है, वो मैं आप बता दूंगा। ये एल्यूमिनियम प्लस स्टील को यूज़ किया गया है, तो इसमें रस्ट वगैरह नहीं लगेगा। क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम और अच्छी है और बहुत ही लाइट वेट है, तो आपका हाथ भी पेन नहीं करेगा आप ज़्यादा टाइम तक जो कि इससे क्लीन वगैरह कर रहे हो अपना छत। सो ये ओवरऑल देखने को मिलता है। तो चलो अब मैं इसे इसका हाइट इंक्रीज़ करके भी आपको शो कर देता हूँ। तो आपको जो ये नॉब दिख रहा है, इस नॉब को टर्न करके रोटेट करना रहेगा, तो इसे मैं टर्न करके रोटेट करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह नॉब को टर्न करना है। टर्न करोगे तो बाद में फिर ये पूरा ओपन हो गया। बाद में फिर इसे एक्सटेंड कर लेना है। जैसे एक्सटेंड करोगे तो ये देख सकते हो कंप्लीट हमारा एक्सटेंड हो चुका है। एक्सटेंड होने के बाद में फिर इसे वापस से आपको टाइट कर लेना है। सो अब मैं इसे फुल टाइट कर लेना है, जिससे कि ये हिले डुले ना, और जितना मैक्सिमम होता है उतना मैंने इसे टाइट कर लिया है। अब मैं इसका हाइट फिर से आपको दिखा देता हूँ। सो ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, तो कुछ इस टाइप का आपको ओवरऑल पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। काफ़ी लाइट वेट है, ईजिली आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो चलो अब मैं इसे यूज़ करके भी बता देता हूँ। सो मेरे घर की सीलिंग अराउंड 11 फीट के करीब है। ऊपर आप देख सकते हो ये जो कि कहीं जाले दिखते रह गए, तो मैं क्लीन करके भी आपको शो कर देता हूँ। तो अभी जस्ट मैंने क्लीन किया, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो भी बना देता हूँ, जिससे कि लोगों को भी काम आ जाए। तो अभी हम इसे उठा लेते हैं, अब देख लेते हैं कि ये ये देख सकते हो इस तरह आपको क्लीन करना रहता है। इसके थ्रू ये एकदम कॉर्नर में बैठ जाता है जाके, जिसके कारण कोई भी डस्ट आपका बचा नहीं रहेगा और विद इन मिनट में आपका जो कि पूरा ऊपर के झाले झटक जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने एक राउंड मार लिया, ऐसे आपको 2-3 राउंड मार लेने, कहीं दीवार वगैरह पर भी, तो दीवार पर भी क्लीन कर लेने। तो इस तरह आपके जितने भी डस्ट वगैरह रहेंगे वॉल पे या फिर आपके कॉर्नर पे, सीलिंग वगैरह पे, जहाँ भी, तो इस तरह आप क्लीन कर सकते हो। उससे फ़ैन वगैरह क्लीन करना चाहो तो वो भी क्लीन कर सकते हो। सो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी, बहुत ही यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू आप बाहर किसे बुला रहे हो काम करने के लिए, खुद करोगे तो विद इन मिनट में हो जाएगा और आपका काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी बच जाएगा। जैसे कि बाहर किससे आप काम करवाते हो, बुलाते हो झाला झटकने के लिए, मतलब क्लीन कराने के लिए सीलिंग, तो ऑलमोस्ट आपका 200-300 ले लेगा। ये इधर आपको 100 रुपीज़ में ही ऑलमोस्ट पूरा काम हो जाएगा। सो सब चीज़ें मैंने बता दी। इसके बारे में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था 99 का। अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम इसी टाइप का कोई 150-200 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेज़ किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेज़ किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा जाते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।